है उनके पास अपर एरियाज, बट उनको आरसीएस से फाइट लेनी है। बिल्कुल, बट टीम सीक्रेट अभी दो प्लेयर और जिंदा है, उनके पास एक हायर ग्राउंड है, बट राइट हैंड साइड में अगर वो लोग आरसीएस को क्लियर कर लेते हैं वो एक रूलिंग पोजीशन में आ जाएंगे, जहां पे टी17 के प्लेयर्स को सिर्फ नीचे मेगा स्टार्स के प्लेयर से लड़ना है। वो स्प्लिट जरूर है बट वो फाइट इतनी आसान भी नहीं रहने वाली। स्वैग वहां पे जरूर कवर फायर देने की कोशिश करे, बट पैराडॉक्स को नॉकडाउन करके जॉनी तन स्वैग कवर फायर देंगे जरूर क्लच गॉड को, बट स्वैग नॉकडाउन होंगे आरसीएस के प्लेयर्स के द्वारा। अब ये फाइट ट्रायंगल के वे में जरूर अप्रोच हो चुका है, टी17 करके पैराडॉक्स को पूरा फिनिश करेंगे, बट एक ग्रेनेड जाएगा आई शॉट्स के द्वारा आरसीएस के वेब नॉकडाउन जरूर पूरा फिनिश हो गया। इनफैक्ट वहां पे वो जो नॉक था पहले वो कंफर्म कर देंगे। टी17 जॉनीथन क्लाइंब अप कर रहे हैं, वो एक विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पे मीरामर वाला मैप उनके लिए यू कैन से वरदान है, बिकॉज जिस तरीके से कमबैक देखने को मिला इस वाले मैप में, कल जो याद हो आपको सेनॉक वाले मैच में भी सेम कमबैक था, बट फिर वहां पे सिर्फ दो प्लेयर थे, नियो ने वो एक जो ग्रेनेड फेंका था आखिर में, दैट वाज अ वंडरफुल नेड, बट वेक्सी स्पॉट हो चुके हैं। क्या ये 1v1 निकाल पाएंगे जॉनीथन, बट स्पॉटिंग तो कर चुके हैं। यस वेक्सी विल गेट डाउन एंड मेगा स्टार्स अब इस वाले मैच से हो जाएगी बाहर। 4v2v1 का सिनेरियो यहां पर रहेगा, नंबर्स एडवांटेज टीएसएम के पास पूरा जाता हुआ। टीएसएम यहां पर अपना दूसरा इंटरनेशनल चिकन डिनर निकाल सकते हैं, कल के दिन पहला आया था लूफा, यहां पर टेक डाउन हो सकते हैं जोन से, ऑलमोस्ट सर्वाइविंग बेली ब्रीदिंग ऑन जस्ट 1 एचपी इज व्हाट लूफा इज डूइंग राइट नाउ, ही गोस डाउन। टीएसएम को ये भी किल मिल चुका, सिर्फ आगे जाकर के एक चिकन डिनर उनको अपने खाते में करना है। रेक्स बचे हुए, आई शॉट्स बचे हुए, चौथन सबसे आगे जा रहे हैं इस पूरी फाइट को अंजाम देने के लिए। नियो पीछे के एरिया पर है, 4v2 का सिनेरियो है, रेक्स गोस डाउन, 50 एचपी उनकी डाउन होती ग्रेनेड से, बाकी क्लच गॉड की यहां पर गन कर देगी कमाल। एक आखिरी प्लेयर बचता है, आई शॉट्स, ही कैन स्पॉट पीपल बट ही कैन नॉट शॉट पीपल, टीएस17टी एक और चिकन डिनर यहां पर अपने खाते में करती है सुपर वीकेंड का। अपने प्रोफेशनल करियर में TSM Entity दूसरा एक ग्लोबल विनर चिकन डिनर निकाल के जाएगा इन किसी वे में, मीरामर वाले मैच में जहां पे स्टार्टिंग में दो किल निकाले थे एंड वो एक कमबैक में बोलूंगा एक प्रॉपर, कल गाथक के साथ इंटरव्यू था हमारा, उन्होंने बोला है कमबैक मैं नहीं बोलूंगा, बट आज वो मेरे ख्याल से अपने वर्ड जो वापस लेके बोलना चाहेंगे, यस इट इज अ कमबैक एक्चुअली। नाउ द टीम इज कमिंग बैक इन वन ऑफ द बेस्ट वेज और बेस्ट फॉर्म्स, बिकॉज कल सैनॉक से जो शुरुआत हुई आज मीरामर में भी उस चीज को कंटिन्यू किया, किल्स भी अच्छे खासे रखे हैं एंड एट द एंड चिकन डिनर तो आ गया। बिल्कुल, बट फाइनल सर्कल में जिस तरीके से एक कंपोजर देखने को मिला ना, टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स को ज्यादा ही एग्रेसिव होकर बाहर जाने की कोशिश कर, बट उन्होंने वो पेशेंस लेवल बना के रखी एंड उनको रिजल्ट्स भी मिला। बट देखते हैं हमारे एनालिसिस जस्ट पे आई सुपर जॉनी और फिक्सर्स किस तरीके से इस वाली फाइट को बयान करते हैं, बट उसके पहले हम लोग चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।